मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम आपके ग्रामर का टॉपिक सीखेंगे, सर्वनाम परिचय। सर्वनाम का मीनिंग है प्रोनाउन। यहाँ पे आपको प्रोनाउंस का परिचय हम कराएंगे, उसका पार्ट वन। लास्ट ईयर आपने सर्वनाम सीखे हैं, लेकिन सिर्फ प्रथमा विभक्ति। पुल्लिंगम में क्या था? सह, तौ, ते, प्रथमा। और स्त्रीलिंगम में सा, ते, ताहा। और नपुंसकलिंगम में तत, ते, तानी। तत् प्रोनाउन की प्रथमा विभक्ति आपने सीखी थी। वैसे ही आपने एतत् प्रोनाउन की भी प्रथमा विभक्ति सीखी थी। वो क्या थी? एषः, एतौ, एते। फॉर पुल्लिंगम, फॉर स्त्रीलिंगम एषा, एते, एताः। एंड फॉर नपुंसकलिंगम एतत्, एते, एतानी। अपने तद और एतद दोनों भी प्रोनाउंस की प्रथमा विभक्ति सीखी थी। और किम प्रोनाउन, जो क्वेश्चन पूछने के लिए हमारा प्रोनाउन है, उसकी भी प्रथमा विभक्ति आपने लास्ट ईयर सीखी थी फोर्थ स्टैंडर्ड में। वो क्या थी? कह, कौ, के फॉर पुल्लिंगम। का, के, कहा फॉर स्त्रीलिंगम। और किम, के, कानी फॉर नपुंसकलिंगम। आज हम इसके आगे देखेंगे तद प्रोनाउन का पूरा टेबल। तद, एतद, किम, हम ये तीनों प्रोनाउन सीखने वाले हैं। तद प्रोनाउन के तीन टेबल है, तद पुल्लिंगम, तद स्त्रीलिंगम एंड तद नपुंसकलिंगम। एतद के भी तीन टेबल है, एतद पुल्लिंगम, एतद स्त्रीलिंगम, एतद नपुंसकलिंगम। और किम प्रोनाउन के तीन टेबल है, किम पुल्लिंगम, किम स्त्रीलिंगम एंड किम नपुंसकलिंगम। वो हम आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम का मीनिंग। सर्वनाम मतलब क्या? प्रोनाउन। सर्वनाम मतलब वो शब्द रहता है जो हम नाउन की प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रोनाउन्स आर द वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स। इन संस्कृत प्रोनाउन टेक्स द जेंडर ऑफ द वर्ड विथ विच इट इज़ यूज। फॉर एग्जाम्पल, हम बालक वर्ड बोलेंगे तो सह बालक, बालिका है तो सा बालिका, और फलम है तो तत् फलम, सह सा तत्। पुल्लिंग के साथ हमने सह यूज़ किया, स्त्रीलिंग वर्ड के साथ सा यूज़ किया, और नपुंसकलिंग वर्ड के साथ तत् यूज़ किया। उसका मीनिंग क्या हुआ? प्रोनाउन जो है वो तीनों जेंडर्स में जेंडर के हिसाब से ही चलते हैं। इन संस्कृत प्रोनाउन टेक्स द जेंडर ऑफ द वर्ड विथ विच इट इज़ यूज। और प्रोनाउंस आर डिक्लाइन इन ऑल थ्री जेंडर्स। हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। सुनील पठती, सुनील, सुनील इज़ रीडिंग। सह न लिखती, ही इज़ नॉट राइटिंग। देखो, सुनील की प्लेस में हमने ही यूज़ किया, इंग्लिश में बोलते हैं तब। सुनील पठती, ही इज़ नॉट, सुनील पठती मतलब सुनील इज़ रीडिंग। सह न लिखती, ही इज़ नॉट राइटिंग, ऐसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, ही इज़ नॉट राइटिंग। तो ही जो प्रोनाउन है हमारा पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है, वो यहाँ पर कौन सा है? सह। हमने क्या लिखा? सह, सह न लिखती। सेकंड सेंटेंस है, माला लिखती, माला इज राइटिंग। सा न खेलती, शी इज नॉट प्लेइंग। तो शी की जगह पे हमने क्या लिखा? सा। पुल्लिंग के लिए सह, स्त्रीलिंग के लिए सा। तत् फलम अस्ति, दैट इज अ फ्रूट। तत् फलम अस्ति, फलम के लिए क्या यूज़ किया? तत्। इट इज अ फ्रूट, इट के लिए कौन सा वर्ड है? तत्। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, इफ द पर्सन और ऑब्जेक्ट इज नियर टू अस, धिस, उसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़, हमसे हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? एतद। लेकिन अगर पर्सन या ऑब्जेक्ट हमसे दूर है और हम दैट ऐसे बोलना है, तो उसके लिए हमने एतद, उसके लिए हमने तद प्रोनाउन यूज़ करना है। कौन सा? तद। तद का मीनिंग है दैट। तो यहाँ पे तत् फलम अस्ति, यहाँ पे इट इज़ अ फ्रूट, दैट अगर दूर है तो दैट इज अ फ्रूट, उसके लिए हम तत् फलम अस्ति ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, एषः वृक्षः अस्ति। देखो यहाँ पे एषः, धिस, धिस इज अ ट्री, धिस इज अ ट्री। एषा वाटिका अस्ति,
दिस इज अ गार्डन, एतत वनम अस्ति, दिस इज अ वनम मतलब फॉरेस्ट, दिस इज अ फॉरेस्ट। देखो एषः एषा एतत, दीज आर द प्रोनाउंस। जब ऑब्जेक्ट हमारे नियर है तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, एतत, ये हमारे प्रोनाउंस है, सः सा तत् एषः एषा एतत, ऑल दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस। अहम आवाम वयम आपने जो सीखे, अहम आवाम वयम, दिस इज ऑल्सो प्रथम विभक्ति ऑफ अस्मत् प्रोनाउन। जो अहम आवाम वयम आपने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में सीखा है वो क्या है, उत्तम पुरुष के जो सब्जेक्ट्स है वो भी हमारे प्रोनाउंस ही है। पर मध्यम पुरुष के सब्जेक्ट त्वम, युवाम, युयम, दीज आर ऑल्सो प्रोनाउंस। तो संस्कृत में प्रोनाउंस है सह सा तत् एषः एषा एतत्, जो रेड लाइन में मैंने आपको रेड वर्ड्स बताए वो हमारे प्रोनाउंस है। सबसे पहले हम अभी हम तीन प्रोनाउंस सीखने वाले हैं, तद, एतत् और किम, तीनों प्रोनाउंस के टेबल सीखेंगे। तत् का मीनिंग है वह, एतत् मतलब यह, और किम मतलब कौन और क्या, उसके लिए किम प्रोनाउन यूज होता है। वह, वह मतलब दैट, यह मतलब दिस एतत्, एंड किम का जो यूज है वो कौन और क्या, हु और वॉट, उसके लिए होता है। सबसे पहले सीखेंगे तत् पुल्लिंगम, दिस इज अवर टेबल ऑफ तत्। तत् का मीनिंग है दैट, वह। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम एंड विभक्ति ही हम बोलेंगे। सह, तौ, ते, प्रथमा, तम, तौ, तान, द्वितीया, तेन, ताभ्याम, तैः, तृतीया, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, चतुर्थी, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, पंचमी, तस्य, तयोः, तेषां, षष्ठी, तस्मिन्, तयोः, तेषु, सप्तमी। इस तरह हम टेबल रीड करेंगे। इसमें आपने क्या डिफरेंस देखा, जो हमारे राम, लता और फल आपने सीखे उन टेबल में संबोधन था, यहाँ पे आपको संबोधन दिखता है क्या, नहीं, प्रोनाउंस को संबोधन नहीं रहता है, वो इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है। तो अभी ये तत्पुल्लिंगम हर जो है उसका हम मीनिंग देखेंगे, एक टेबल का पूरा मीनिंग हम देखेंगे। सह, तौ, ते, प्रथमा, देखो हमने कारक परिचय का टेबल सीखा है, कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, उसके बाद अधिकरण में पर, संबोधनम, हे अरे भो, वो टेबल आपका बाहर हो ही गया होगा। जैसे प्रोनाउंस, जैसे नाउंस के लिए वो है कारक का टेबल, वो प्रोनाउंस के लिए भी वही चलता है, उसके मीनिंग्स के लिए भी वही चलता है। कर्ता ने कर्म को, ऐसे ही कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, देखो यहाँ पे सह, तौ, ते, दिस इज अवर प्रथमा, उसका मीनिंग क्या है, वह, वे दोनों, वे सब, ही, उसके बाद दोज टू, ऐसे, लेकिन वो पुल्लिंग के लिए, और दोज ऑल। सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब, या उसने, उन दोनों ने, उन सब ने, उसके लिए भी यही सह, तौ, ते यूज होता है प्रथमा विभक्ति। आफ्टर दैट तम, तौ, तान, दिस इज अवर द्वितीया, तम, तौ, तान, कर्ता ने के बाद कर्म को, तो कर्म को द्वितीया विभक्ति, तो हमारा जो चिन्ह है वो है को, तो क्या होगा मीनिंग, तम मतलब उसको, तौ उन दोनों को, तान उन सबको, तम, तौ, तान, टू हिम, टू बोथ ऑफ हिम, और टू ऑल ऑफ हिम, द्वितीया, दिस इज अवर द्वितीया। आफ्टर दैट अवर तृतीया विभक्ति, सॉरी तृतीया, तेन, ताभ्याम, तैः, तृतीया, तेन, ताभ्याम, तैः, उसका मीनिंग क्या है, तेन मतलब उसके द्वारा, उससे, उसके द्वारा, देखो करण से के द्वारा, तृतीया, हमारा कारक जो टेबल है वो बाय हार्ट चाहिए आपका, करण कारकम, उसका चिन्ह क्या है, से के द्वारा, मतलब उससे या उसके द्वारा, ताभ्याम, उनसे,
उन दोनों से या उन दोनों के द्वारा, और तई ही उन सब से, उन सब के द्वारा, ऐसा मीनिंग होता है। तेन ताभ्याम तई ही, हमने अगर उसके द्वारा ऐसा संस्कृत में लिखना है तो क्या लिखेंगे, तेन, इसके लिए ये वर्ड्स यूज होते हैं। तेन ताभ्याम तैहि तृतीया, आफ्टर दैट तस्मै ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति, चिन्ह क्या है हमारा, के लिए, तो तस्मै उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, और तेभ्यः उन सब के लिए, दिस इज अवर चतुर्थी विभक्ति। आफ्टर दैट तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः पंचमी, पंचमी क्या है हमारा, अपादान से अलग होना, पंचमी अपादान से, यहाँ पे सेपरेशन आता है, तस्मात उससे, ताभ्याम उन दोनों से, और तेभ्यः उन सब से। ओके, अभी तृतीय विभक्ति का इंग्लिश में क्या आएगा, उसके द्वारा, बाय हिम, उन दोनों के द्वारा, बाय बोथ ऑफ देम, और उन सब के द्वारा, बाय ऑल ऑफ देम, विथ ऑल ऑफ देम। उसी तरह तस्मै ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी, उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए, उसके लिए हमारा इंग्लिश में प्रीपोजिशन क्या था, फॉर हिम, फॉर बोथ ऑफ देम, और फॉर ऑल ऑफ देम। आफ्टर दैट तस्मात ताभ्याम तेभ्यः पंचमी, यहाँ पे सेपरेशन, उससे, उन दोनों से, उन सब से, फ्रॉम हिम, फ्रॉम बोथ ऑफ देम, फ्रॉम ऑल ऑफ देम, ऐसा मीनिंग होता है। आफ्टर दैट अवर सब षष्ठी विभक्ति, सॉरी षष्ठी, तस्य तयोः तेषां, संबंध काकी के षष्ठी, काकी के, उसका हमारा प्रीपोजिशन चिन्ह है काकी के, रारी रे, मेरा बोलना है तो रा, लेकिन उसका अब तो का आता है ऐसे, तस्य तयोः तेषां, उसका, उन दोनों का, उन सब का, तस्य उसका, ऑफ हिम, तयोः उन दोनों का, ऑफ बोथ ऑफ देम, तेषां उन सब का, ऑफ ऑल ऑफ देम, षष्ठी। उसके बाद है सप्तमी, तस्मिन् तयोः तेषु, सप्तमी अधिकरण में पर, यहाँ पे सप्तम विभक्ति है, अधिकरण में पर, यह हमारा चिन्ह है, उसमें, उस पर, तयोः उन दोनों में, उन दोनों में या उन दोनों पर, तेषु उन सब में, उन सब पर, ऐसे मीनिंग होता है, तस्मिन् तयोः तेषु, इन ऑन एट अपॉन, ऐसे हमारे वो प्रीपोजिशन है, इन ऑन एट अपॉन। यहाँ पे हमने तीनों के तीनों मीनिंग देखे, तत्प्रोनाउन के पूरे एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम सबके मीनिंग हमने देखे, सह तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया, तेन ताभ्याम तैहि तृतीया, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी, ऐसे हम टेबल बोलेंगे और बाहर करेंगे। आफ्टर दिस इज द टेबल ऑफ तत् पुल्लिंगम, उसके बाद हम देखेंगे तत् स्त्रीलिंगम। नाउ अवर नेक्स्ट टेबल, तत् मतलब वह स्त्रीलिंगम, दैट, ओके, यहाँ पे स्त्रीलिंगम का फेमिनाइन जेंडर का टेबल है ये, तत् स्त्रीलिंगम, तत् का मीनिंग है दैट। सा ते तहा, सा मतलब शी, सा ते तहा, शी दे बोथ दे ऑल, बट दिस इज फॉर स्त्रीलिंगम। सा ते तहा प्रथमा, ताम ते तहा द्वितीया, तया ताभ्याम ताभिः तृतीया, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः चतुर्थी, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः पंचमी, तस्याः तयोः तासाम षष्ठी, तस्याम तयोः तासु सप्तमी, दिस इज अवर स्त्रीलिंगम। एक बार वापस बोलेंगे, सा ते तहा प्रथमा, ताम ते तहा द्वितीया, तया ताभ्याम ताभिः तृतीया, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः चतुर्थी, तस्याः ताभ्याम
ताभ्यः पञ्चमी, तस्याः तयोः तासां षष्ठी, तस्यां तयोः तासु सप्तमी। इस तरह हम टेबल रिसाइट करेंगे, टेबल का रेसिटेशन आपने इस तरह करना है। आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट टेबल इज तत् नपुंसकलिंगम, तत् नपुंसकलिंगम, तत् ते तानि प्रथमा, तत् ते तानि द्वितीया। देखो यहाँ पे प्रथमा और द्वितीया की लाइन सेम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जैसे हमारे नाउंस में नपुंसकलिंग का जो टेबल रहता है वो पुल्लिंग की टेबल की तरह ही तृतीया ऑनवर्ड सेम रहता है, तृतीया टू सप्तमी सेम रहता है, उसी तरह प्रोनाउंस का टेबल जो रहते हैं हमारे प्रोनाउन के टेबल, वो भी पुल्लिंग और नपुंसकलिंगम जो तत् है हमारा वो क्या है, तृतीया से सप्तमी तक सेम है। एतत् और किम वो भी उसी तरह रहते हैं। तो तृतीया से सप्तमी तक अगर आपका पुल्लिंग टेबल बायहाट है तो नपुंसकलिंगम भी बायहाट हो जाता है, और प्रथमा और द्वितीया है वो सेम है। तत् ते तानि प्रथमा, तत् ते तानि द्वितीया, एंड फ्रॉम तृतीया इट इज सेम लाइक पुल्लिंगम। देखो तेन ताभ्याम तैः तृतीया, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। इन सब टेबल्स के मीनिंग भी जैसे हमने तत् का सब मीनिंग देखा वैसे ही रहते हैं। नाउ इसके बाद हम आगे देखेंगे सेकंड टेबल एतत्। एतत् का टेबल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ, आप ये तत् प्रोनाउन के तीनों टेबल, तत् पुल्लिंगम, तत् स्त्रीलिंगम, तत् नपुंसकलिंगम, आप तीनों लिखने हैं और अच्छे से बायहाट करने हैं। एक बार आपका तत् प्रोनाउन लर्न हो गया तो एतत् भी इजीली लर्न हो जाता है। टेबल कंप्लीशन के लिए आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तत् और एतत् दोनों होने के दोनों टेबल हमारे हो जाएंगे, बाद में हम साथ में उसके क्वेश्चन भी देखेंगे। नाउ अवर नेक्स्ट टेबल इज एतत् पुल्लिंगम। एतत् का मीनिंग क्या है, धीस, ओके, एतत् का मीनिंग है धीस। ये टेबल हम कैसे रिसाइट करेंगे, एषः एतौ एते प्रथमा, एतम एतौ एतान द्वितीया, एतेन एताभ्याम एतैः तृतीया, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः पंचमी, एतस्य एतयोः एतेषां षष्ठी, एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी। देखो पुल्लिंग का जो हमारा टेबल था तत् और ये एतत् का पुल्लिंग है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, सब वर्ड्स के आगे इसमें ए ऐड हुआ है, क्या ए, सो इजी, फर्स्ट वर्ड इज ओनली डिफरेंट सह और यहाँ पे एषः, बाद में तौ ते तो यहाँ पे एतौ एते ए ऐड हुआ है, तम तौ तान उधर है तो यहाँ पे एतम एतौ एतान, ओके, वहाँ पे तेन ताभ्याम तैः, यहाँ पे एतेन एताभ्याम एतैः। चतुर्थी देखो वहाँ पे क्या है तत्प्रोनाउन में, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तो यहाँ पे एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः। इससे क्या मालूम पड़ता है हमें, सब वर्ड्स के आगे हम ए ऐड करते हैं तो हमारा एतत् हो जाता है, सो इजी, बाय ऐड करने के लिए बहुत ही इजी है। नेक्स्ट पीरियड यहाँ तक हमारा एतत् पुल्लिंग तक हमारे प्रोनाउंस हुए हैं, नेक्स्ट पीरियड हम एतत् स्त्रीलिंगम स्टार्ट करेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इस कंसेप्ट ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस कैसे यूज होते हैं संस्कृत में, ये सब हम टेबल्स होने के बाद इसके वाक्य प्रयोग भी देखेंगे, आपको यहाँ तक ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।